बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी विद रुखसाना खालिद। आज मैं आपको होम मेड रोज़ वाटर बनाना सिखाऊंगी। ये हमने गुलाब की फ्रेश पत्तियां ली हैं, इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। ये रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पानी डालकर इसके अंदर शीशे का बाउल रख देंगे और इसके अंदर पत्तियाँ रख देंगे और इसकी हीट से हम गुलाब का अर्क रेडी करेंगे। थोड़ी थोड़ी बाद हम ढक्कन उतार कर पत्तियों को प्रेस करते जाएंगे। अब हम थोड़ी सी पत्तियां साइडों पे भी डाल देंगे। अब हम चम्मच की मदद से पत्तियों को प्रेस करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अब हमारा रोज़ वाटर रेडी होना शुरू हो गया है। ये देखें, ये बहुत ही ओरिजिनल तरीके से बनाया गया रोज़ वाटर है। हमें बाज़ार से रोज़ वाटर लेने की ज़रूरत नहीं, हम अपने घर पर ही फूलों से बहुत ज़बरदस्त रोज़ वाटर बना सकते हैं। अब हम इस बाउल को निकाल कर स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे और जो नीचे अर्क निकलेगा वो हमारा प्योर रोज़ वाटर बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह हम तमाम पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इसको किसी स्प्रे बोतल में भरकर रख लेंगे। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत कलर आया और बहुत ही ज़बरदस्त ओरिजिनल अर्क के गुलाब बनकर रेडी हुआ है। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप टोनर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस मास्क में भी यूज़ कर सकते हैं। आप गर्मियों में तो ये बहुत ही बेस्ट होता है। आप अपनी स्किन पर बार बार इसका स्प्रे करके स्किन को कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी क्लिक कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।